सभा में आज बजट के ऊपर अपना भाषण दिया और बजट के भाषण में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात करी और इस नए चक्रव्यूह को उन्होंने नाम दिया पद्म व्यूह। उन्होंने 6 अंग बताया इस पद्म व्यूह का, जिसके वजह से भारत को चक्रव्यूह की तरह एक बार फिर से जकड़ दिया गया है, उसके युवा को, उसके आर्थिक शक्ति को, उसके मिडिल क्लास को और उस किसानों को और भी बाकी लोगों को अभिमन्यु का किस्सा बताते हुए, और 6 जो कौरव के महारथी थे जिस तरह से उन्होंने अभिमन्यु को मारा था चक्रव्यूह में बांध कर करके, उसका किस्सा बताते हुए राहुल गांधी ने महाभारत के उस प्रकरण को लेकर करके आज अपना बजट में लोकसभा के अंदर में भाषण दिया। उन्होंने बताया कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट दिया है इस बार देश के युवाओं का पहले पैर तोड़ा और उसके बाद बैंडेड लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है, जिसके तहत तो केंद्र सरकार 5,000 रुपये महीने का इंटर्नशिप का स्टाइपेंड बड़ी 500 कंपनियों को देगी, उससे देश के युवाओं को कोई भी मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं का मतलब है कि देश में पेपर लीक्स बंद हो। उन्होंने कहा पिछले 10 वर्षों में 70 बार पेपर लीक्स हुए हैं और युवाओं को इस बात की ज्यादा चिंता है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में ये पेपर लीक का प्रकरण जल्द से जल्द खत्म। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह हो, जिस तरह से राहुल गांधी नीट पेपर लीक्स, तथा कथित पेपर लीक्स और नीट में हुई धांधलियों के तथा कथित धांधलियों को संसद में उठाया, तो एक तरह से कहें तो उसी प्रकरण को अपने बजट भाषण में फिर से उन्होंने सामने रखा। उन्होंने 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि ये जो पद्म व्यूह है, ये जो चक्र व्यूह है, इसके 3 मुख्य अंग हैं। उस पहला है फाइनेंशियल मोनोपोली, जो वित्तीय मोनोपोली है, जिसमें कि बड़े उद्योग जो औद्योगिक घरानाओं का जो मोनोपोली है, वर्चस्व है देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर, उस वो कहीं ना कहीं देश के अर्थव्यवस्था को जकड़ करके रखा है और जो शक्तियां हैं उसको खत्म कर रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा पॉलिटिकल मोनोपोली, ये पॉलिटिकल मोनोपोली जो है, राजनीतिक जो वर्चस्व है, ये इशारा सीधा सीधा बीजेपी की तरफ था या विचारधारा के ऊपर था कि बीजेपी की जो विचारधारा है, जो पॉलिटिकल मोनोपोली देश के ऊपर थोपना चाहती है, उससे भी देश के लोकतंत्र का, देश के संस्थाओं का की छनी की कोहानी हो रही है। तीसरा उन्होंने कहा डीप स्टेट, इंटेलिजेंस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह के जो तंत्रों का उपयोग तथा कथित रूप से सत्ता पक्ष कर रही है विपक्ष को कमजोर करने के लिए, वो भी एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी।
सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरा अंग है इस पद्म व्यूह का, जो कि चक्रव्यूह है जिसमें देश को जकड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मध्यम वर्ग के बारे में बात करते हुए कहा कि शायद मध्यम वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन पहले करता था, भाजपा का समर्थन करता था, इसीलिए कोविड जब हुआ तब उन्होंने थाली भी बजाया, टॉर्च भी जलाया, मोबाइल का लाइट भी जलाया, लेकिन इस मध्यम वर्ग को नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार के बजट में भी कुछ भी नहीं दिया। राहुल गांधी ने बहुत तीखा प्रहार किया और आज का जो भाषण है उसकी बहुत चर्चा हो रही है। A1 A2 की भी बात करी, जिसमें कि दो प्रमुख औद्योगिक घरानाओं के मालिक का जिक्र करा। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का एक चित्र बनाया है और एक आंख A1 और दूसरा आंख A2, इस तरह करके चित्र को वायरल किया जा रहा है, मीम पेस्ट हो रहा है। और जो आज का जो भाषण है राहुल गांधी का और जो उन्होंने प्रहार किया है बजट के ऊपर, उन्होंने ये दावा किया है कि 20 साल में सबसे कम एजुकेशन का आवंटन हुआ है इस बजट में। तो इस बजट में किस तरह से मध्यम वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है, देश के युवाओं का ख्याल रखा जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है वो बताएं। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि अग्निवीर योजना पर जो उनका जो पहले से जो उनका कहा हुआ स्टेटमेंट है लोकसभा के अंदर में, उस पर वो काबिज हैं। जो भी अग्निवीर शहीद हुए उनको इंश्योरेंस का ही सिर्फ पैसा दिया जा रहा है, अलग से कोई उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा राहुल गांधी। द चक्रव्यूह दैट हैज कैप्चर्ड इंडिया हैज 3 फोर्सेस बिहाइंड इट। फर्स्ट इज द आइडिया ऑफ मोनोपोली कैपिटल, दैट टू पीपल should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, main budget ko explain kar raha hu sir, main aa raha hu, wahi aa raha hu sir. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these three together are at the heart of the Chakravyuh, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh, that this budget would help the farmers of this country. गांधी ने दोबारा आज फिर से कहा और उन्होंने कहा कि सेनाओं के साथ भी अग्निवीर जैसे योजना को ला करके सरकार ने उनको भी चक्रव्यूह के अंदर में फंसा है। देश के किसानों के बारे में बातें करते हुए राहुल गांधी ने फिर से कहा कि किसानों को MSP की लीगल गारंटी वो देना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार कभी आती है तो MSP की लीगल गारंटी देंगे, लेकिन ये सरकार जो है किसानों को भी चक्रव्यूह में बांधे हुए है। जो बजट का जब तैयारी होता है तो एक हलवा का प्रोग्राम होता है बजट से कुछ हफ्ते पहले, जिसमें कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो शरीक होते हैं वित्त मंत्री के साथ। और राहुल गांधी ने दावा किया कि ये जो जितने भी ऑफिसर्स थे उसमें कोई दलित नहीं था, माइनॉरिटी का सिर्फ एक आदमी था। तो इस तरह से कह करके एक बार फिर से कास्ट सेंसस की बात जो राहुल गांधी चुनाव के पहले से करते आ रहे हैं, वो उन्होंने आज अपनी बजट के ऊपर जो डिबेट हो रहा है उस भाषण में भी उस विषय के ऊपर वो वापस लौट करके आए। राहुल गांधी का जो आज भाषण रहा वो उनके आक्रामक कड़ी को एक बार फिर से दर्शाता है कि वो जो बजट की जो पूरी कवायद है कि मिडिल क्लास को कैसे एड्रेस किया जाए। आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने पहली बार जॉब लेने वाले को 15,000 रुपये तक का या 1 महीने का सैलरी जो ऑफ बिग बिजनेस मोनोपोली बिजनेस द फ्रेमवर्क ऑफ ए पॉलिटिकल मोनोपोली दैट डिस्ट्रॉयज
the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first pehla kaam is Chakravi ne kya kiya jo Hindustan ko rozgar dete hain, small and medium businesses hain jo करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बन गया। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। कॉर्पोरेट बॉडीज है उनको देने की पहल की है, इंटर्नशिप का प्रोग्राम रखा है, 2,00,000 करोड़ रुपए का खर्च होना है इस दोनों ही कार्यक्रम में, और सरकार को उम्मीद है कि 4 करोड़ के आसपास जॉब्स का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा। 500 सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप के प्रोग्राम का की जो कवायद है वो बजट के अपने पेशकश में किया है। जो 500 बड़ी कंपनियां हैं उसके बारे में भी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पर पहले ही हैं, जब तक कि इनका इन्वेस्टमेंट या कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं होगा ये इंटर्नशिप्स लेने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि 1 महीने का या 5,000 रुपया लेकर के, क्योंकि जब ये इंटर्नशिप का स्टाइपेंड देंगे तो इंटर्नशिप का अमाउंट ज़्यादा होगा, सिर्फ 5,000 रुपया नहीं होगा, और ऐसे में जब तक कि उनको ज़रूरत नहीं होगी इंटर्न्स का या पहली बार जॉब लेने वालों का, तब तक वो ऐसा काम सरकार के बजट में प्रावधान करने के बावजूद भी नहीं करेंगे। और इसी वजह से राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो इस सरकार ने युवाओं का टांग तोड़ दिया और अब ऐसे कार्यक्रम ला करके बैंडेड लगाने की कोशिश कर रही है। देश के बेरोजगारी के ऊपर राहुल गांधी ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और कहा कि देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और बेरोजगारी का कारण ये है कि कोविड के समय जो सरकार की नीति थी वो बड़े उद्योगों को समर्थन करने वाली नीति थी और जो छोटे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो छोटे जो उद्योग थे, जो मध्यम जो उद्योग थे जहाँ सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होता है, उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा कोविड में। और कैसे खत्म करने की कोशिश की गई वो राहुल गांधी ने बताया कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, जीएसटी को जिस तरह से लागू किया गया उस तरह से, और तथाकथित रूप से इनकम टैक्स का
डिपार्टमेंट का दुरुपयोग। सो तीन क्रमों की वजह से जो छोटे उद्योग हैं और जो मध्यम उद्योग हैं जहां सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होता है उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। और इकोनॉमी ने बड़े उद्योगपतियों को समर्थन किया जो अपने प्रोग्राम्स थे, सब्सिडी के प्रोग्राम हो या जो हो, और ये जो बड़े उद्योग हैं ये रोजगार का सृजन कर नहीं रहे हैं और इस वजह से देश में बेरोजगारी एक बड़े संख्या में बढ़ करके आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि देश में रोजगार का काफी सृजन हुआ है पिछले 8 साल में। उन्होंने कहा कि 4-8 करोड़ के आसपास रोजगार का सृजन हुआ है, लेकिन प्राइवेट जो संस्था है CMIE, उन्होंने माना है कि जून के महीने में सबसे रिकॉर्ड बेरोजगारी का दर देखा गया देश में 9.3%। तो एक तरह जो सरकारी आंकड़ा है और जो प्राइवेट आंकड़ा है रोजगारी या बेरोजगारी के ऊपर में, दोनों में कोई सामंजस्य दिखता नहीं है। और जो पद्म व्यू या चक्र व्यू वाली आज जो भाषण रही राहुल गांधी का, तो उसमें फिर से रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा और भी पेपर लीक्स का मुद्दा, इन चीजों को लेकर के राहुल गांधी ने सरकारी पक्ष पर निशाना साधा। धन्यवाद।